वेलकम टू बॉलीवुड टाइम्स। इस हफ्ते मूवी रिलीज हुई है डियर माया। आइए देखते हैं यह मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी और बॉक्स ऑफिस पे इसका लाइफ टाइम बिजनेस कितना होगा। डियर माया उन लकी मूवी में से एक है जिनको सारे क्रिटिक्स का प्यार मिलता है, क्योंकि यह अलग सब्जेक्ट पे बनी हुई फिल्म है, तो जनरली ऐसी फिल्मों को इंडिया में सारे क्रिटिक्स दिल खोल के प्यार देते हैं, तो इसकी एवरेज रेटिंग 3 जरूर आनी चाहिए। जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, मनीषा कोइराला के फैन और अलग फिल्मों के शौकीन इस फिल्म को जरूर एंजॉय करेंगे, बाकी लोगों को निराशा हाथ लगेगी। मनीषा कोइराला ने बहुत अच्छा काम किया है, उनकी जबरदस्त तरीके से वापसी हुई है। दोनों लड़कियों ने भी बहुत अच्छा काम किया, कहीं से लगा ही नहीं कि वो नई एक्ट्रेस हैं। फिल्म में एक गाना भी बहुत अच्छा है। सेकेंड हाफ इंगेजिंग और इंटरटेनिंग है, फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ इतना अच्छा है तो फिल्म में कमी कहाँ है। फिल्म में सबसे बड़ी कमी ये है कि मुंबई रीजन, जो कि सबसे बड़ी मार्केट है हिंदी फिल्म के लिए, अगर मैं आप ध्यान दें तो बाहुबली 2 ने 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है इंडिया में, जिसमें से 180 करोड़ के ऊपर का बिजनेस उसका सिर्फ मुंबई में। दंगल और पीके ने 104 करोड़ का बिजनेस अकेले मुंबई सर्किट में किया है। अब इसके मेकर्स ने क्या किया है आप देखिए। आप पूरे मुंबई में जब आप ऑनलाइन चेक करते हो तो केवल 13 थिएटर में मूवी लगी है, जिसमें से केवल 2 थिएटर में 200 हैं, बाकी हर जगह 100। मतलब 1500 में कितने कलेक्शन कर लोगे? आपकी फिल्म है मल्टीप्लेक्स वाली, मुंबई जैसे शहर में 1500 आप चला रहे हो। फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है। यह मूवी 100+ स्क्रीन पर रिलीज हुई है, 7.5 करोड़ इसके बनाने और PNA पे खर्चा किया गया है। मेरे डेटा के हिसाब से 40,000 से 50,000 के आसपास लोगों को यह मूवी कनेक्ट करेगी, उसमें से 43,000 लोग इस मूवी को देखने जाएंगे। इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 48 लाख होगा और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप होगी। अगर आपको किसी भी बॉलीवुड मूवी का Day 1 पे लाइफ टाइम बिजनेस जानना है तो सिंपल सर्च करिए राहुल विदुबे / मूवी का नाम, और हाँ, सब्सक्राइब बॉलीवुड टाइम्स राइट नाउ।